हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खाना खजाना विद स्वाति पवार में। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की इडली। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सूजी की इडली बनाने के लिए यहाँ पे लिया है एक कटोरी से थोड़ा कम। हमने यहाँ पे सूजी लिया है, हमने बारीक वाली सूजी ली है। आप चाहे तो मोटी वाली भी सूजी ले सकते हैं। अब हम इसे एक बाउल में ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से करना है। इसके बाद हम इसमें दही, हमने दही यहाँ पे आधा कटोरी के करीब लिया है। फ्रेश दही है, ज्यादा खट्टा नहीं है। इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। इससे हमारी इडली जो है वो बहुत ही अच्छी फुली फुली और टेस्टी लगेगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे दोस्तों। अच्छे से हम बैटर तैयार कर लेंगे एक थोड़ा, ना ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा करेंगे। इस तरीके से सारी सूजी को मिला लेना है हमें। ये बहुत से झटपट से और जल्दी तैयार होने वाली है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है हमें। देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब हम इसे ढक करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक करके रख देंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल चुकी है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट हो गई है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे या फिर इसमें हम इनो भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच के करीब हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज किया है। इसमें हमें याद रखना है दोस्तों कि हमें बेकिंग सोडा डालते समय इसे एक ही रोटेशन में अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अगर हम इसे एक ही रोटेशन में नहीं मिक्स करेंगे तो हमारी इडली जो है वो अच्छे से नहीं फूलेगी। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हमें इसे एक ही रोटेशन में मिक्स करना है, अच्छे से फेंट लेना है। अब हम दोस्तों यहाँ पे इडली मेकर को गर्म कर लेंगे। हम इसमें 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे और इसे अच्छे से बॉइल होने तक हम गर्म कर लेंगे। जब तक हमारा पानी बॉइल हो रहा है दोस्तों, तब तक हम यहाँ पे मोल्ड को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इस तरीके से हम ग्रीस कर लेंगे, सारे मोल्ड में अच्छे से ऑयल लगा लेंगे, फील कर लेंगे। हमारे मोल्ड जो है वो अच्छे से ग्रीस हो चुके हैं ऑयल से। अब हम इसमें चम्मच की सहायता से बैटर से अच्छे से फील कर लेंगे दोस्तों। हम इसे ज्यादा हमें बैटर से ज्यादा नहीं करना है, भरना है इसे। इसे हम 3/4 रखेंगे ताकि हमारी इडली अच्छे से फूल जाए और अच्छे से बड़े शेप में आ जाए। इस तरीके से सारे मोल्ड को भर लेंगे और स्टीमर में स्टीम करने के लिए रख देंगे दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से करना है हमें। हमारे सारे मोल्ड जो है वो अच्छे से फिलअप हो चुके हैं। अब हम इसे स्टीम कर लेंगे 15 मिनट के लिए। इसे ढक करके हम रख देंगे दोस्तों 15 मिनट के लिए ताकि हमारी इडलियां जो है अच्छे से फूली फूली बन जाए। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम लो रखना है दोस्तों, लो फ्लेम पे ही पकाएंगे हम इसे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, 15 मिनट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इडली को चेक कर लेंगे टूथपिक की सहायता से या नाइफ की सहायता से कि हमारी इडली अच्छे से पकी है या नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं चाकू हमारा अच्छा फ्रेश निकल आया है। इसका मतलब ये है कि हमारी इडली अच्छे से पक चुकी है। अगर इसमें बैटर चिपका हुआ आता तो ये रहता कि हमें इसे फिर से पकाना है। अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसे निकालेंगे। 2 मिनट तक हमें नहीं निकालना है दोस्तों, नहीं तो हमारी इडली जो है अच्छे से नहीं निकल पाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अब हमारी इडली थोड़ी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। इसे हमें चाकू की सहायता से ही निकालना है। देखिए दोस्तों ये कितनी स्पंजी बनी है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों। एकदम सॉफ्ट है ये और एकदम अच्छे से फूल चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारी इडली बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए दोस्तों कितनी सॉफ्ट, कितनी स्पंजी है। देखिए हम इसे एक को तोड़ के भी आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्पंजी है।
हमने इसे सांभर के साथ टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे खाली चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों। कमेंट करके हमें बताएं कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। जय माता दी।